नमस्कार दोस्तों, के पी सी में आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं, मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से फिर से डायरेक्ट बम्पर भर्ती निकल के आ चुका है। दोस्तों इसमें लगभग दोस्तों 500 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती निकल गया, जिसमें आपका डायरेक्ट भर्ती होने वाला है। ठीक है, देखिए मारुति सुजुकी में डायरेक्ट भी भर्ती होता है और दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी जॉब पा सकते हैं। तो दोनों तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो आप लोग का डायरेक्ट भर्ती होने वाला है वो भर्ती दिनांक यहाँ पर बता दिया गया, जो 20 सितंबर 2024 को भर्ती दिनांक दिखाया गया है, उसी दिन दोस्तों आपका भर्ती होने वाला है। जो मैं डेट बताऊंगा, जो एड्रेस बताऊंगा, ठीक है, उस एड्रेस पर आप लोग चले जाएंगे, आपका सीधी भर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इस कंपनी में आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, तो जैसे कि हमें बताया गया कि रूम, खाना, ओटी, बस, टी, स्नैक्स, पीएफ, ये सब आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। रूम जो है कंपनी नहीं देती है, रूम के लिए आपको पैसे दे दिया जाता है। जो रूम के लिए पैसे अभी दिया जा रहा है वो 5300 नहीं दोस्तों, अभी आपको 6700 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जुलाई महीने में सैलरी बढ़ाया गया है, तो जब बढ़ेगा तो उसमें हाउस रेंट भी बढ़ जाता है। तो रूम का रेंट अभी कितना हो गया, 6700 रुपये मिल जाएगा। बोनस आपको मिल जाएगा 20000 रुपया, जो एक साल में आपको ये दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बताया गया कि जो सैलरी आपको मिलेंगे वो 30866 रुपये मिलेंगे, जो 8 घंटे 26 दिन ड्यूटी करके। ये दोस्तों बिल्कुल आप इन हैंड सैलरी कमा सकते हैं। ठीक है, आप अगर पूरा 26 दिन ड्यूटी करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों और जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको मिलेंगे दोस्तों वो प्रॉफिट का पैसा मिलता है। प्रॉफिट क्या होता है, मैं पिछला वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका, जो ज़्यादा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सेल होती है, तो सेल करके जो भी होता है प्रॉफिट कंपनी का, वो प्रॉफिट आप लोगों को भी मिलता है। लगभग दोस्तों आपको 7000 से लेकर आपको 12000 तक प्रॉफिट का पैसा मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी जिनका ज्वाइनिंग होगा उनको दोस्तों और 6000 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है ना, अब ये 6000 किस लिए दिया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो जो 3 करोड़ गाड़ी मारुति सुजुकी ऑलरेडी बेच चुकी है, उसके जो है दोस्तों खुशी में मारुति सुजुकी कंपनी जितने भी वर्कर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सभी को 6000 रुपया जो है अपने अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट होगा तो आपको उसमें भेज दिया जाएगा 6000 रुपया, जो दोस्तों ऑलरेडी डेट भी लगभग 25 तारीख तक आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, जो 25 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी स्टूडेंट अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको 6000 रुपये मिल जाएगा। और जो न्यू कैंडिडेट है जिनका ज्वाइनिंग हो जाता है इसी महीने में, तो उनको भी दोस्तों ये 6000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी में अगर सच में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए, ताकि दोस्तों मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। मैं जिस तरीके से आपको मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, ऐसे दोस्तों और कोई आपको नहीं दे पाएगा। अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं जैसे आपको जानकारी दे सकता हूँ और आपको कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि देखिए मैं जानकारी देने के साथ साथ दोस्तों मैं आपको गाइड करता हूँ पूरा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है इस कंपनी में। ठीक है, तो आपको कोई ये नहीं करेगा, गाइड कोई नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वो भी दोस्तों 100% सिलेक्शन कैसे होगा, वो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और पिछला भी जितना भी मारुति का मैं वीडियो बनाया उसमें भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि आपका कैसे 100% सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, देखिए इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपको जो रिटर्न टेस्ट होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है वो भी क्वालिफाई करना होता है, तब जाकर आपको इस कंपनी में जॉब मिलता है। तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करेंगे वो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, जिसका मैं दो आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, वो दोनों वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो दोस्तों आप रिटर्न टेस्ट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, और एक वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा जो इंटरव्यू के लिए। तो कुल मिला के 3 वीडियो मैं आपको दूंगा, वो तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना तो दोस्तों आप आराम से रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, वो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि वीडियो कहाँ पर मिलने वाला, कैसे मिलने वाला है। ठीक है ना, आप सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों पे, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों पे, आपका ग्रुप ऑफ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें जॉब मिल सके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा सैलरी अभी किसी भी कंपनी में आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है ना तब जाकर दोस्तों अभी आपको 30000 रुपये सैलरी मिलता है, लेकिन दोस्तों एक मारुति सुजुकी कंपनी है जो फ्रेशर कैंडिडेट को इतना ज़्यादा सैलरी दे रही है, भला एक साल के लिए लेती है, ठीक है ना, 7 मंथ के लिए लेती है, लेकिन आपको सैलरी अच्छा प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनी से। ठीक है, और दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी के अलावा भी अदर कंपनी में भी भर्ती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, 4-5 कंपनी ऐसी है जिसमें फ़िलहाल भर्ती चल रही है, उसमें अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों उस सब कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको और एक चीज़ जानकारी दे देना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल जो है एयरपोर्ट पर
बहुत ही ज़्यादा भर्ती चल रही है ऑल ओवर इंडिया में। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि पटना में मिल जाएगा, लखनऊ में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, कोलकाता में मिल जाएगा, जयपुर में मिल जाएगा, इलाहाबाद में मिल जाएगा, गोरखपुर में मिल जाएगा, वाराणसी में मिल जाएगा, ठीक है ना, देहरादून में मिल जाएगा। 300 भी एयरपोर्टों में से किसी भी एयरपोर्ट में अगर आपको जॉब करना होगा तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक वीडियो बना हुआ है एयरपोर्ट का, ठीक है ना, जो उसका लिंक मैं आई बटन पर प्रोवाइड कर दूँगा, जाकर पहले वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको करना होगा उस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताया गया, प्रोसेस समझने के बाद ही मैसेज कीजिएगा, पहले मैसेज वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और जो कंपनी में भर्ती है वो दोस्तों नोएडा में एक कंपनी है जो हायर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से, जो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक सामान मैन्युफैक्चरिंग करती है जैसे कि एसी, फ्रिज वगैरह, और ये दोस्तों एक्चुअली चाइनीज़ कंपनी है और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट जो है दोस्तों नोएडा में ही है, ठीक है ना। तो उसमें भर्ती है, फुल टाइम परमानेंट जॉब आपको मिल जाएगा और जिसमें मैं खुद आपको डायरेक्ट भर्ती कराऊँगा। 10th 12th IT डिप्लोमा ग्रेजुएटेड जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आपको इसमें जॉब मिल जाएगा, लेकिन इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपको फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी में जॉब करने के लिए बंदे लाइन में खड़े रहते हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं लेकिन उनको जॉब मिलता नहीं। लेकिन मैं दोस्तों आपको जॉब दिलाऊँगा और इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आप अगर वीडियो को नहीं देखें तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आई बटन पर भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। इसमें जो भी कैंडिडेट जॉब करना चाहते हैं आपको दोस्तों 1500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा तभी आपको इस कंपनी में जॉब मिलने वाला है। किसी को अगर करना होगा तो वीडियो देखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो 1500 रुपया है वो आपको डॉक्यूमेंट के साथ पहले पेमेंट करना पड़ेगा अगर करना चाहते हैं तो, अगर बाद में बोलेंगे तो फिर आपका इसमें नहीं होने वाला है, मैं पहले आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओंकार कंपनी का वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, जाकर आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में इस कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी दो कंपनी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि एक दोस्तों फार्मा कंपनी है जिसमें ओनली IT पास स्टूडेंट के लिए भर्ती निकाला गया है, ठीक है। और एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन उस कंपनी का भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, जाकर आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, कल ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया हूँ। इसके अलावा दोस्तों फोर्स मोटर्स कंपनी का नाम आप लोग सुने होंगे जो दोस्तों इंदौर में है मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी फोर्स मोटर्स में भी भर्ती चल रही है जो 15 सितंबर लास्ट डेट उसका रखा गया, तो उसमें भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये जितने भी कंपनी के बारे में मैंने बताया सारी कंपनी का वीडियो बना हुआ है, एक बार मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, जाकर देखिए आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आप अगर KPS IT2 चैनल से बने रहते तो आपको जॉब मिलना ही मिलना है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग चलते हैं मारुति सुजुकी कंपनी के जो ऑफिशियल बैनर जारी किया है उस बैनर पर चलते हैं, और बैनर पर चलकर दोस्तों मैं सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। हम लोग मारुति सुजुकी कंपनी के ऑफिशियल बैनर पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो डेट जान लीजिए, जो 20 सितंबर 2024 को आपका डायरेक्ट भर्ती होने वाला है, ठीक है। टाइम सुबह 9 बजे आप लोग को पहुँच जाना पड़ेगा, कहाँ जाना है वो पूरा एड्रेस भी मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बताया कि दोनों तरीके बताऊँगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे जैसे बताया गया कि मारुति सुजुकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया है कि 3 महीने ट्रेनिंग के बाद जॉब आपको दिया जाएगा, ठीक है। और मैंने कल या परसों भी एक वीडियो बनाया था मारुति सुजुकी के बारे में, जिसमें भी मैंने आपको बताया था कि 3 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिल रहा है, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे जॉब पा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो डेट अलग था और ये फिर से दोबारा डेट आ चुका है इसका भर्ती का, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि वही है वही नहीं है, अलग है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पहले तो मारुति सुजुकी 3 मंथ का ट्रेनिंग कराएगी, ये जो ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए बता रहा हूँ, आप अगर डायरेक्ट जॉब पाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप 3 महीने ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों जो आपका हरियाणा में स्थित है, एक गुड़गांव में प्लांट है और एक मानेसर में है, उसमें भी जॉब मिल सकता है और गुजरात में भी जॉब मिल सकता है, ठीक है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो IT पास आउट कैंडिडेट ही केवल इसमें एलिजिबल है। आप IT पास स्टूडेंट है, उसके बाद ये सब ट्रेड्स हैं जैसे कि फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, MMV, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड मशीनिस्ट से है, चाहे NCVT SCVT से है तो आपको लिया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है 10th में 40% नंबर होना चाहिए और IT में 50% नंबर होना चाहिए तभी आपको इसमें लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो 3 मंथ ट्रेनिंग का हो गया ये सब ट्रेड, आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करके जाना चाहते हैं जैसे कि TW के लिए या CW के लिए या FT के लिए, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड दिया गया है इससे ज़्यादा ट्रेड आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब टेक्निकल के जितने भी ट्रेड होते हैं ना सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका लिंक जो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, TW का भी, CW का भी और FT का भी, और TW, CW और FT तीनों का ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना।
आप लोग जाइएगा चैनल पे विज़िट कीजिएगा और वहाँ पे जाकर दोस्तों देख लीजिएगा वीडियो को, समझ लीजिएगा, फिर दोस्तों आप लोग अप्लाई कीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं इस ट्रेनिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो आपका 3 मंथ ट्रेनिंग होगा ना, वो ट्रेनिंग के टाइम आपको सैलरी नहीं प्रोवाइड करेगी, सिर्फ रहना प्लस जो खाना वगैरह होता है वो खाना वगैरह आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट के लिए भर्ती है। और कौन ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिनका 18 से 25 वर्ष 5 महीने हो रहा है वही केवल ये ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे और भी जानकारी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपका 3 मंथ होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद फ्री फूड आपको मिल जाएगा, एकोमेंडेशन जो भी होता है वो मिल जाएगा। जॉब लोकेशन गुजरात एंड हरियाणा, तो किसी भी प्लांट में दिया जा सकता है, दोनों प्लांट में अलग अलग सैलरी है, वो सैलरी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका सैलरी रहता है गुजरात प्लांट में वो 24,500 CTC है, और जो आपका ये जो है ये हो गया दोस्तों आपका हरियाणा में जो मानेसर में और गुड़गांव में प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 30,500 रुपये मिल जाएगा। अभी इन हैंड सैलरी आपको दोस्तों 29,000 से लेकर 30,000 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी पहले इसमें 3 मंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, फिर जॉब पाना चाहते हैं डायरेक्ट कंपनी में, वो इस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। या आप अगर TW या CW या FT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एज लिमिट जो है जिनका 25 साल 9 महीने या 10 महीने हो रहा है वो अप्लाई कीजिएगा। 26 साल तक पूरा लिया जाता है लेकिन ज्वाइनिंग टाइम तक वो डेट रहता है। आपका फॉर्म अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आपका 25 साल 9 महीने हो रहा है तो। बाकी ट्रेड जैसे कि मैंने बताया कि ऑल ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ जो सिविल ट्रेड होते हैं वो सिविल ट्रेड छोड़ के, और उसमें कोई भी पासिंग आर का जरूरत नहीं है, किसी भी और पास किए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, या दोस्तों आप अगर ऑनलाइन अप्लाई भी करना चाहते हैं तो उसमें भी यही सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे बता गया अभ्यर्थी आपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि ITI मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड में अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार करा लें। अब मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, जो आपका 10th का मार्कशीट है उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ITI का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसमें जो 10th का मार्कशीट में नाम है जैसे कि अपना नाम, पिता का नाम, ठीक है, जन्मतिथि, एड्रेस, वो सारा कुछ सेम टू सेम होना चाहिए तभी आपको लिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको नहीं लिया जाएगा मारुति सुजुकी में, चाहे गुजरात प्लांट में करना चाहते हैं चाहे हरियाणा में करना चाहते हैं। उसके बाद ही दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए समर्थन हो सकेगा, यही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब कहाँ पे जाना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो स्थान यहाँ पे बता दिया गया है जो सतपुरा ITI चौराहा थाना के पास रीवा मध्य प्रदेश में प्लस प्लांट लगाने के लिए जा रही है। जो कॉल करने का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर बताया गया है जिस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर देख लीजिए, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा और इससे ज़्यादा जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन अप्लाई कर लिंक जो है जिसमें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके, और जो गुड़गांव और मानेसर में प्लांट है हरियाणा स्टेट में जिसमें 30,500 रुपये सैलरी है, उस प्लांट में आपको जॉब मिल जाएगा। तो मैं तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका पहले भी मैं इस सब का वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैं एक वीडियो का लिंक आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख के और अच्छे से उस फॉर्म को अप्लाई कर सके, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी, फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और KPSIT YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि दोस्तों और भी अच्छे अच्छे जॉब खर्चे का वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों फिर मैंने किसी ना किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय दोस्तों।